तलाक को आपराधिक बनाने वाला कानून अस्तित्व में आ चुका है, पर ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। भारत सरकार के द्वारा लागू किए मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में तीन तलाक पर कानून बनाने के बाद भी तीन तलाक का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के गोगावा थाना अंतर्गत तीन तलाक को लेकर FIR दर्ज हुई है। गोगावा पुलिस थाने में यह पहली FIR दर्ज हुई है। मुस्लिम महिला के द्वारा अपने पति हमीद के खिलाफ तीन तलाक बोलने पर पुलिस थाने में FIR दर्ज करवाई गई है। महिला ने अपने पति पर अवैध संबंध को लेकर तलाक लेने का कारण बताया है। मुस्लिम महिला सबीना की रिपोर्ट पर गोगावा पुलिस ने आरोपी हमीद को राउंडअप करते हुए अपने पास थाने में बिठाया। क्या कहता है हमीद, आइए आपको सुनाते। वो घर में झगड़ा कर रही थी तो मेरे भाभी के साथ मैंने गलत चीज बता रही थी उसका तुमने क्या बोला? मैंने तलाक दी। क्या बात हो गई? तलाक बोला? हाँ, तीन बार तलाक बोलते तलाक दे दी। चलो मालूम है कब अभी नया कानून बन गया थी? तुम मालूम नहीं सर, मालूम है फिर भी तुम तलाक दे दी सर? ऐसी गले बाद में कैसे बर्दाश्त कर सकते ऐसा? हाँ गलत बोल रही ना सर। मतलब तेरे भाभी को इल्जाम लगा रही थी तो तुमने तीन बार तलाक बोल दी। उसने मेरे साथ बोला कि मेरी भाभी के साथ कुछ संबंध है, इसीलिए मैंने उसको तलाक दिया। ये हमारे इस्लाम के अनुसार मतलब सही है, तीन बार बोल दिया तलाक तो तलाक हो जाती है। हमीद का कहना है कि सरकार द्वारा बनाए गए तीन तलाक कानून को जानते हुए भी मैंने अपनी पत्नी को तलाक 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 बोलकर मुस्लिम धर्म के अनुसार तलाक दिया है जो मैं जानता हूं, लेकिन मैं गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। गौरतलब है कि बीते बजट सत्र में मोदी सरकार ने तीन तलाक पर पाबंदी लगाने वाला विधेयक तो पास करा दिया, लेकिन तीन तलाक के मामलों में कमी नहीं दिख रही है। सर क्या मामला था सर तीन तलाक को लेकर सर गोगावा थाने पे? कल थाने पर मुस्लिम महिला शबीना उसके पिता के साथ में और भाइयों के साथ में थाने पर आई थी। उन्होंने बताया था कि उनके पति जो यही गोगावा में ही रहते हैं उन्होंने उनको तीन बार तलाक 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 बोलकर तलाक दे दिया है, जो कि मतलब उन्होंने आपत्ति ली थी कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जिसको लेके वो तीन तलाक बोल के मुझे तलाक दे दें। उन्होंने अपने ससुराल वालों को अवगत करवाया, अपने पियर में अवगत कराया, तो उनके पिता ने दो समाज के लोगों को भेज के दो तीन लोगों को भेज के तस्दीक भी करवाया, तो उस लड़का जो उसका हस्बैंड है हमीद उसने स्वीकार किया कि मैंने इसको तीन बार तलाक बोल दिया है और अब ये मेरी पत्नी नहीं है, ऐसा जो तस्दीक करता है उन्होंने भी मुझे अवगत कराया। इस पर एक प्रकरण पंजीबद्ध किया है हमीद के खिलाफ, हमीद निवासी गोगावा के खिलाफ, धारा 3/4 के अंतर्गत द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 के अंतर्गत। तो अब उसमें अनुसंधान में ले लिया है, उसको विवेचना चल रही है। सर ये क्या गोगावा थाने का पहला मामला था सर ये? हाँ, अब चूंकि एक्ट ही नया है, 2019 का ही एक्ट है, पहली रिपोर्ट आई थी, पहला ही मामला है, पहला प्रकरण। इसमें कितने आरोपी बनाए? एक ही उसके हस्बैंड है, उसी ने उसको तीन बार तलाक बोला है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई। तीन तलाक कहकर उसको तलाक दे दिया गया है, इस तरह का एक प्रकरण पंजीबद्ध थाने पर हुआ है। उसके अंतर्गत जो उसका पति है उसके हमीद नाम का, उसकी अरेस्टिंग कर ली गई और उसको कल न्यायालय पेश किया जाए। क्या नाम है, किस पद पे सर? मैं दिलीप गगराड़े, थाना प्रभारी गोगावा। JBD Banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।